What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 27th of August. आज के best current affair के question आप लोगों के सामने आने वाले हैं. आप लोगों अगर वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है तो क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिखता है वीडियो को रोकिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा. वीडियो के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा. बाकी वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर भी लिखना है, स्कोर भले ही जीरो क्यों ना हो जरूर लिखना है, और आगे उसको इम्प्रूव करते हुए आप लोगों को बढ़ना है. तो इस तरीके से वीडियो को यूटिलाइज करना है. वीडियो की जो लेक्चर की जो पीडीएफ होगी आप लोगों को, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं बेस्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे. बात की जा रही है अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री के स्टेट को यहां पर कवर करने की कोशिश करें अगर लैटिट्यूड के हिसाब से, तो बात की जा रही है कौन यहां पर पड़ेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लैटिट्यूड में. थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों को यह नजर आएगा यूएई जिसकी बात की जा रही है, और यहां पर बीचों बीच आप लोगों को नजर आएगा मध्य प्रदेश. तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि कौन यहां पर इसके लैटिट्यूड पर यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये बीचों बीच आप लोग यहां पर मध्य प्रदेश को बोल सकते हैं. अगर आप लोग दूसरा मैप देखना चाहें जहां से आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये देखिए अब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे. यहां पर देखिए, ये थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये देखिए अब यहां पर ये हो गया इधर यूएई. अगर इधर से आप लोग यहां पर पढ़ते हुए इधर से आप लोग इस साइड में पढ़ेंगे तो आप लोग यहां पर ये इंडिया हो गया, इंडिया जहां पर लिखा हुआ है बीचों बीच आप लोगों को दिख रहा होगा ये मध्य प्रदेश स्टेट है. तो इसके लैटिट्यूड में आप लोगों को ये स्टेट नजर आएगा जब इसके यहां पर बात की जाए, जो इसके लैटिट्यूड को सारे को देखा जाए, यानी कि अगर यहां पर आप लोग इसको मिलाकर देखेंगे ये वाला पूरा एरिया लगभग आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि ये मध्य प्रदेश के कम से कम साइज का है, यानी कि कहने का मतलब ये इसके लैटिट्यूड में एग्जैक्ट जो पढ़ रहे हैं यहां पर आप लोगों को ये मध्य प्रदेश नजर आएगा. तो यूएई जो नजर आएगा आप लोगों को ये 22 से 26 के बीच में नजर आएगा, यानी कि 22 से 26 के बीच में नजर आएगा. और इसी तरीके से जब मध्य प्रदेश की देखेंगे तो 21 से 27 के बीच नजर आएगा, ठीक है ना. तो लगभग आप लोग अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं कि दोनों का जो लैटिट्यूड है एक ही है. तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आप लोग डे बाय डे की पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो भी. बात की जा रही है कि जो अपॉइंट किया जाता है यहां पर गवर्नर को, वो कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है. वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करने के बाद भी कोई भी गवर्नर किसी भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे इंप्लॉय नहीं होता है. मतलब ये नहीं बोल सकते कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकर है गवर्नर, ऐसा कुछ नहीं है. हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में गवर्नर को, तो इसलिए यहां पर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है ना. तो ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट. दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर गवर्नर को अपॉइंट करना है तो यहां पर जो यहां पर चीफ मिनिस्टर है जिस स्टेट का उसके साथ में पूछा जाएगा. ये तो बिल्कुल हंसी आती है पढ़कर. अगर ऐसा कुछ होता तो देखिए, अगर ऐसे तरीके से यहां पर कंसल्ट करना पड़ता, उससे पूछना पड़ता, तो देखिए कभी भी यहां पर किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब का गवर्नर किसी स्टेट में जाता ही नहीं, ओनली उन स्टेट्स में जाता. मान लीजिए सेंटर में गवर्नमेंट है जैसे बीजेपी की, अगर स्टेट में भी बीजेपी की है तो वहां पर जा सकता था उनके हिसाब का गवर्नर, वरना सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब का गवर्नर वहां पर रखती. तो इस तरीके से ऐसी स्टेटमेंट तो आप लोग डायरेक्ट समझ लेंगे अगर आप लोग पॉलिटिक्स देख रहे होंगे. दिल्ली की पॉलिटिक्स आप लोग देख लीजिए, अगर बात आ जाए दिल्ली की पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप लोग देखते हैं कि यहां पर जो भी यहां पर आज की डेट में एलजी बनाया जाता है दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई एलजी बैठे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हो, वो हमेशा अपने हिसाब का यहां पर एलजी बनाने की कोशिश करते. तो ओनली वन यहां पर आंसर है. इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ओनली दो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. वो कौन कौन सी है, एक तो इंडियन सिटीजन हो पहली क्वालिफिकेशन, दूसरी है वो 35 ईयर से ज्यादा हो तो वो गवर्नर बनाया जा सकता है. ओनली अगर ये दो क्वालिफिकेशन फुलफिल कर पा रहा है पर्सन तो उसको गवर्नर बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है. अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों के सामने. बात की जा रही है कि कौन सी सिटी इंडिया में अभी इंटरनेशनल वोटर कलर फेस्टिवल अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन सी सिटी यहां पर इसको होस्ट कर रही है. तो जो सिटी है यहां पर यह है रांची, यानी कि झारखंड की कैपिटल, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इसको ऑर्गेनाइज करा रही है. और इसके अलावा देखिए आप लोग यहां पर ये देखते हैं वाटर कलर, यानी कि पानी के जो रंग है उनके बारे में बात की जा रही है. और इंटरनेशनल लेवल का ये इंटरनेशनल लेवल का यहां पर फेस्टिवल है, तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग आर्टिस्ट यहां पर आ रहे हैं. स्कूल में बच्चों के साथ भी जाकर ये मिल रहे हैं और कोशिश ये करें कि किस तरीके से एक तरीके से बच्चों को भी अवेयर कराया जा सके इन सब चीजों के बारे में. कई सारे इश्यूज यहां पर उठाए जा रहे हैं. मतलब कहने का ये है कि अगर कहीं भी आज के डेट में ऐसा कोई फेस्टिवल होता है, ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो सीधा सीधा ये होता है कि यंग जनरेशन के माइंड को किस तरीके से इग्नाइट कर सकते हैं, किस तरीके से यंग जनरेशन के माइंड को हम लोग
लोग एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ताकि यंग जनरेशन उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कुछ सोचे। तो आर्ट और यहाँ पर कलर्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि जो यंग जनरेशन है इसके बारे में भी सोचे और अपनी कल्चर को और इसमें भी करियर बनाने की सोचे और अपनी कल्चर के बारे में भी थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल की अलग अलग कंट्री से अलग अलग आर्टिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि अपनी अपनी कल्चर के बारे में चीजों को बताएंगे और अपनी कल्चर के साथ में जो स्टेट की कल्चर है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और टूरिस्ट एक्टिविटी और ज्यादा यहाँ पर स्टेट में बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है बीज वैक्स के बारे में, यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको एक तरीके से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों के सामने। ये एक तरीके से वैक्स, यानी कि आप लोग देखते हैं कुछ इस तरीके का मोम टाइप का चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी में जो छिद्र है यहाँ पर, इन्हीं के अंदर आप लोगों को शहद भरा हुआ नजर आता है। तो अगर शहद को यहाँ से निकाले जाए तो उसके बाद में जो बचता है उसकी बात की जा रही है। ये एक बाई प्रोडक्ट नजर आएगा जो यहाँ पर बी कीपिंग के लिए आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि मधुमक्खियां इसमें रहती है यहाँ पर, ये उसका एक बाई प्रोडक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली गई है। और इसको यूज किया जाता है कॉस्मेटिक के वगैरह, या फिर आप लोग देखने को मिलेगा फर्नीचर पॉलिश में भी, जो होता है फर्नीचर पर पॉलिश की जाती है, चमकीला जो हो जाता है वहां पर, चिकना फर्नीचर हो जाता है वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। मोमबत्ती वगैरह बनाने में भी, यानी कि मोम की तरीके से भी इसको यूज किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो आखिर ये न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए है कि आज की डेट में यहाँ पर बीज वैक्स का नाम लेके बहुत सारे मिलावटी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे थे। तो उन्हीं को देखने के लिए यहाँ पर जो हमारी कंट्री की फूड सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा बात की जा रही है कि किस तरीके से सेफ्टी रखनी है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो फूड से रिलेटेड या फिर इस तरीके से कोई भी मैटर निकल के आ रहा है उससे रिलेटेड, ताकि मिलावट जो है इंग्रेडिएंट में कोई ज्यादा ना आए और उसकी वजह से यहाँ पर मान लीजिए कल को कुछ उल्टी सीधी चीजें मिला दी इसमें और सामने वाला बंदा कोई कॉस्मेटिक सामान लेके गया वहां पर इससे बना हुआ, क्या हुआ, चेहरा खराब हो जाएगा, पता चला जो स्किन है वो बर्बाद होने लगी इसकी वजह से। तो कई तरीके ऐसी मिलावट यहाँ पर आ रही है आज की डेट में देखने को मिलती है आप लोगों को, हर एक सामान में मिलावट है। तो इसलिए यहाँ से कैसे उसको रोका जा सकता है इसके ऊपर फोकस दे रहा है, इसीलिए न्यूज में था यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया, दोनों ही आंसर सही है यहाँ पर, यानी कि सी हो गया आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है अभी नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं डीआरडीओ के, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं खासकर हमारी डिफेंस से रिलेटेड उसके ऊपर काम करती है, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर अभी जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं ये है यहाँ पर जी सतीश रेड्डी, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है ये एक तरीके से एडवाइजर भी होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस भी करते हैं किस तरीके से हम लोगों को चीजों को आगे लेके चलना है। मान लीजिए आज के में हम लोग काफी कुछ प्रोडक्ट जो है फॉरेन कंट्री से खरीद रहे हैं, यानी कि डिफेंस के जो काफी कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रशिया से खरीद रहे हैं, दूसरे नंबर पर यूएसए से खरीद रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दूसरी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो कल को अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें होती है तो हमारे लिए काफी खतरनाक है। तो ये एडवाइस करते हैं यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर को कि हाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। तो ये एक एडवाइजर का रोल भी प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए इनसे पहले कौन थे यहां पर, लगभग काफी लंबे समय से यहां पर ये पोस्ट जो थी ये खाली चल रही थी, अब 2 साल के लिए यहां पर ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्वेश्चन किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफी टाइम आप लोगों को देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो हल्का सा उसकी पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। और खासकर अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर कई सारी बातें ऐसी आती है, कई टॉपिक ऐसे हैं कि आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आसपास की जो कंट्री है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहां पर जो टर्म है ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की वो 3 साल की होती है, ये बात बोली गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। आप बोला है कि यहाँ पर उनके पास में कोई फॉर्मल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका संविधान भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी बात नहीं है कि उनका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि हाँ उनका संविधान रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, पर लेकिन यूके का ये माना जाता है कि ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से हमारी एक किताब है आप लोग किसी को भी पकड़ा सकते हो उठा के कि भैया ये है हमारा संविधान, पर लेकिन इस तरीके से यूके आप लोगों को अगर कोई बोले यूके में जाके कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहां है, तो वो आप लोगों को एक पूरे रूम में यानी कि एक लाइब्रेरी में ले जाके रख देंगे कि ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि वहां पर कई सारी जो चीजें होती हैं केस टू केस चीजें आती रहती हैं, वहां पर उसके हिसाब से डिसाइड करते रहते हैं। कुछ भी रिटर्न फॉर्म में ऐसा नहीं है कि वहां पर कि हाँ कोई एक किताब की फॉर्म में आप लोगों को लाके दिया जा सकता है, वैसे रिटर्न है, पर लेकिन एक होनी चाहिए बुक की फॉर्म में उसको कंसाइज कर देना, वो वाला फंडा नहीं है वहां पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहां पर ए। और हाँ इसके अलावा अगर स्टेट की बात करें यहाँ पर, स्टेट का यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नजर आएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट है, ये भी बात आप लोग याद रखते हैं, इंटरेस्टिंग बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बात की जा रही है कि एनुअल फेस्टिवल, ये है नालूर कंडा स्वामी कोविल, ठीक है ना। तो ये फेस्टिवल है यहाँ पर, ये अभी स्टार्ट हुआ है कहाँ पर, जाफना श्रीलंका में। आखिर मैं यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाफना की जो पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है ये वही वाला एरिया है जहां पर हमारे तमिलियन कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वहां पर। ये हो गया यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, ऊपर अगर आप देखेंगे नीचे हो गया श्रीलंका। अगर जूम करके आप लोगों को थोड़ा दिखाऊं यहाँ पर, तो ये ऊपर जाफना आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये जाफना हो गया, थोड़ा और जूम करके देख लीजिए।
तो यहां पर ये जाफना हो गया। तो यहां पर नॉर्दर्न जो एरिया है श्रीलंका का, यहां पर काफी इंडियन कम्युनिटी रहती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 25 दिन का जो फेस्टिवल होता है यहाँ पर, थाउजेंड्स ऑफ तमिलियन हिंदू डिविटीज आते हैं जो इसको अटेंड करते हैं रिचुअल और वर्शिप को। क्या ये सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका सी बन गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर बात की जा रही है कि वर्ल्ड में फर्स्ट पब्लिक ब्लॉकचेन बॉन्ड, जिसका नाम रखा गया है बॉन्ड आई, रिसेंटली अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर जो बॉन्ड आई लिखा है इसकी भी यहाँ पर आप लोगों को फुल फॉर्म नजर आएगी। इसका मतलब है यहाँ पर ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, तो ये इसकी आप लोगों को फुल फॉर्म नजर आएगी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, यानी कि यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो लॉन्च किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई ऐसा काम कर रही है तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नॉर्मली आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर बिटकॉइन वगैरह होते हैं उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहां पर जो क्रिएट किए जाते हैं बिटकॉइन वगैरह, वहां पर यूज की जाती है। तो आज के डेट में इसको यहां पर भी यूज किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को उसके बारे में जरूर याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 2018 का यहाँ पर यह कृषि कुंभ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ये कहाँ पर हुई? अभी ये अभी आप लोगों को लखनऊ में देखने को मिली, कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर कैन रिसर्च। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर कैन रिसर्च कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, जहां पर 2018 कृषि कुंभ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हुई, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि ये कहां पर हुई है। एक तो पहला ही पूछा जा सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा ये इंस्टीट्यूट कहां पर है, ओके। बाकी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ये बोला जा रहा है कि ये एम क्या है, इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, है कि हमारे जो फार्मर है, हमारे जो किसान है, उनकी इनकम कैसे हम लोग डबल कर सकते हैं, जो कि 2022 तक का हमारा टारगेट है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके। क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, यूएसए वगैरह में या फिर यूरोपियन यूनियन में, तो वहां पर किसान जो है उनको बिजनेसमैन की तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो बिल्कुल इतने शानदार तरीके से खेती करते हैं, खूब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वहां पर। तो हमारी कंट्री में भी इन्हीं सब चीजों पर फोकस देकर आगे बढ़ने की बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर हो गया सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। बात की जा रही है NETA, तो ये नेता ऐप यहां पर है आप लोगों के सामने, ठीक है, या नीटा आप लोग बोल सकते हैं इसको, जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करें। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो लॉन्च किया गया है, कौन सी कंट्री से इंस्पायर होके हम लोगों ने ये ऐप अपनी कंट्री में लॉन्च किया है, ओके। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम पूछा था, लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ए। तो यहाँ पर जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप के नाम दे रखे हैं, ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी से यहाँ पर रिलेटेड नजर आएंगे। यानी कि कौन सी क्रॉप यहाँ पर ज्यादा उगाई जा रही है, कौन सी क्रॉप यहाँ पर अंडर यूटिलाइज क्रॉप है, इन सब चीजों की बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखिए, अगर बात आते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमी जो है उनके ऊपर काफी सपोर्ट यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट का नुकसान पड़ता है, और वहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमी है जहाँ पर जनता जो बहुत लार्ज स्केल पर डिपेंड रहती है यहाँ पर खेती के ऊपर, तो वहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वहाँ पर सोल्यूशन निकालने की बात की जाती है कई बार, ठीक है। तो ये आंसर याद रखिएगा, आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा जीके यानी कि स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। इससे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, राइट टू सर्विस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीचे दिए गए कौन से बिल या फिर एक्ट का ये बात की जा रही है। ये अब एक्ट बन चुका है, तो बात की जा रही है। तो यहां पर ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारी कंट्री में 2005 में आया था। तो यहां पर राइट टू सर्विस का जो यहां पर पार्ट है, ये यहां पर है। अगर कोई यहां पर जाता है कुछ इंफॉर्मेशन लेने, तो यहां पर देखिए, जो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी है, यहाँ पर जो हमारी कंट्री में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर जो भी वहां पर अथॉरिटी है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी अगर वो आरटीआई के अंडर में आते हैं तो, ठीक है। तो आंसर क्या है? सी। आगे चलते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की जा रही है, काफी न्यूज में फाइनेंस कमीशन। अभी द हिंदू में भी हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की भी बात बार बार की जाती है। और अभी यहां पर जो हमारी कंट्री में है, इसी के बारे में बात की जा रही है कि फाइनेंस कमीशन जो हमारी कंट्री में अभी सेटअप किया गया है, और जिसके अध्यक्ष यहां पर एनके सिंह जी हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो फाइनेंस कमीशन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आर्टिकल 280। याद रखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूज में अभी फाइनेंस कमीशन आ गया है, उसकी वजह से आप लोगों को यहां पर इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों को बताना है वो किस आर्टिकल में आता है, ठीक है ना। जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जो बातें की जाती है उनके बारे में बात की जा रही है, किसके अंदर आता है ये बताना है।
तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। बाकी देखिए अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। और हमारी जो फैमिली हो चुकी है वो 2 लाख की फैमिली हो चुकी है और यहाँ पर आप लोगों की भी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि आप लोग चीजों को और ज्यादा बढ़ा सकें। कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखिए जब भी आप लोगों को टाइम मिले किसी को पढ़ाइए जरूर, इससे आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा और हमारी सोसाइटी भी अच्छी हो जाएगी। तो आप लोगों को मेरा साथ देकर चलना है, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम लोग अपनी सोसाइटी में लेके आना है, सब मिलकर काम करेंगे। तो देखिए अगर 2 लाख आदमी एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 लाख कदम एक साथ में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मिलकर साथ में काम करिए, चीजों को अच्छी डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। अगर फैमिली का पार्ट नहीं है तो आप लोग बन सकते हैं यहाँ पर, चीजों को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूला करें। जहां पर भी आप लोग हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बढ़ाइए ताकि और ज्यादा स्किल पर हम लोग चीजों को आगे लेकर जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इकोनॉमिक्स का लेक्चर आप लोग का आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।